जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आपका फिर से मेरे अपने YouTube चैनल रेल दोस्त रोहित पर। मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज की कुछ रेल न्यूज रेल अपडेट। तो शुरू करते हैं आज की रेल इन्फॉर्मेशन वीडियो को। रेल न्यूज रेल अपडेट और रेल नॉलेज की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल रेल दोस्त रोहित को सब्सक्राइब करें, साथ में अपडेट जल्दी पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर सेट करें। पहली अपडेट आ रही है 12520 अगरतला लोकमान्य तिलक एसी सुपरफास्ट ट्रेन को लेकर। आज इस ट्रेन के कुछ डिब्बे और रेल इंजन शाम 4 बजे के आसपास असम के दिबालंग रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गए हैं। दिबालंग रेलवे स्टेशन लामडिंग बदरपुर हिल सेक्शन पर आता है। रेलवे का कहना है कि किसी के हताहत होने और गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। यात्रियों को रात ट्रेन द्वारा भेजा जा रहा है और ट्रैक को रिस्टोर करने का कार्य जारी है। अगली अपडेट एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को लेकर है। रेलवे द्वारा ट्रेनों द्वारा एडवांस आरक्षण की मौजूदा समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है। अब यात्री 120 दिन यानी 4 महीने पहले ट्रेनों की बुकिंग नहीं करा पाएंगे। 1 नवंबर 2024 से इस ARP को लागू कर दिया जाएगा। 1 नवंबर से सिर्फ 60 दिन पहले ही बुकिंग करा पाएंगे। ताज एक्सप्रेस ट्रेन की एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि इस ट्रेन की बुकिंग सिर्फ 30 दिन पहले ही बुकिंग करा सकते हैं। अगली अपडेट तमिलनाडु के नए पंबन ब्रिज को लेकर। रेलवे द्वारा इस नए रेलवे पंबन ब्रिज पर यानी मंडपम रामेश्वर स्टेशनों के बीच 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से खाली मालगाड़ी द्वारा ट्रायल रन करवाया गया। इस ट्रायल रन की रिपोर्ट आने के बाद इस सेक्शन पर पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। अगली अपडेट नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। बंगाल के हावड़ा और कर्नाटका के बेंगलुरु के मध्य नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए रेलवे तैयारी में लगा हुआ है। रेलवे एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाकर भूल गया था। इस ट्रेन का नंबर और समय सारणी सामने आ चुकी है। इस ट्रेन का रूट वाया कटपड़ी, रेणुगुंटा, विजयवाड़ा, विजयनगरम, भुवनेश्वर, बालासर होगा। इसके अलावा और भी नई वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलाने के लिए रेलवे तैयारी कर रहा है। मेरे पास 26 ट्रेनों की लिस्ट आई है जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है इस लिस्ट के रिगार्डिंग। बाकी नई ट्रेनों को लेकर कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल पर देखने को जरूर मिलेगी। अगली अपडेट आ रही है न्यू रेल लाइन को लेकर। बिहार के नवादा और पावापुरी रोड के मध्य नई रेल लाइन का फाइनल सर्वे को मंजूरी दे दी है। यह रूट 33.10 किलोमीटर का होगा। इस रेल लाइन के लिए रेलवे ने 82.75 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। तो आज की अपडेट में बस इतना ही। अगर अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।